हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के, वो स्टेट एंड यूटी न्यूज़। तो पूरे हफ्ते के स्टेट और यूटीज के ऊपर जो करंट अफेयर्स आए हैं, उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबके लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो है मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ किया है। तो 18 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है एमपी में गाँव के विकास के लिए जो है मिशन ग्रामोदय की शुरुआत की है। और इसका जो उद्देश्य जो एम जो है राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों को मूलभूत और बुनियादी ढांचा प्रदान करना है और ज़रूरतमंदों को जो है आवास उपलब्ध कराना है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नई जो टॉपिक जो है, कर्नाटक सरकार और आईटीसी ने जो है वाटरशेड कार्यक्रम को निष्पादित करने के लिए जो है एक एमओयू पर साइन किया है। तो कर्नाटक सरकार ने दक्षिणी राज्य में 1 मिलियन एकड़ से अधिक क्षेत्र में जलग्रहण कार्यक्रम को निष्पादित करने के लिए जो है आईटीसी के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, और ये जो कार्यक्रम जो है 3 साल के लिए प्रभावी होगा। आईटीसी के सामाजिक निवेश कार्यक्रम मिशन सुनहरा कल और कर्नाटक वाटरशेड विकास विभाग के तहत जो है एमओयू साइन किए गए थे, और इस एमओयू के संबंध में जो है 100 वाटरशेड की स्थापना की बात थी। तो यह उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, अभी कुपोषण से लड़ने के लिए जो है झारखंड ने SAAMAR अनिमिया और कुपोषण के उन्मूलन के लिए जो है रणनीति कार्रवाई यानी कि अभियान शुरू किया है। तो यह उसी से रिलेटेड है। तो 17 मार्च 2021 को जो है झारखंड सरकार ने राज्य में बच्चों और महिलाओं में कुपोषण से निपटने के लिए SAAMAR स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन अभियान शुरू किया है। और SAAMAR अभियान 1000 दिनों के लक्ष्य के साथ जो है शुरू किया गया है, जिसके तहत प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक वार्षिक सर्वेक्षण किया जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, नागालैंड के जो स्वास्थ्य मंत्री है एस पंग्युनु फॉर्म ने अभी CHO के लिए जो है एक ऐप आई लर्न लॉन्च किया है। तो 23 मार्च 2021 को नागालैंड के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री एस पंग्युनु फॉर्म ने नागालैंड में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO के लिए जो है एक क्षमता निर्माण और प्रदर्शन ट्रैकिंग एप्लीकेशन आई लर्न का शुभारंभ किया है। एप्लीकेशन को जो है निष्ठा प्रोजेक्ट के समर्थन से लॉन्च किया गया है जिसे कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID द्वारा वित्त पोषित किया गया है और सोफेगो द्वारा कार्यान्वयन किया गया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के संचालन के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने के लिए जो है निष्ठा नागालैंड का समर्थन कर रहा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नहीं जो टॉपिक जो है, आंध्र प्रदेश में जो है भारत की पहली सरकार द्वारा चालित पशु चिकित्सा एम्बुलेंस नेटवर्क की स्थापना की गई है। तो अभी आंध्र प्रदेश सरकार राज्य में भारत की पहली सरकार द्वारा संचालित मोबाइल एम्बुलेंस पशु चिकित्सा क्लिनिक नेटवर्क स्थापित करने की योजना बना रही है, और राज्य में जो है प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को एक पशु चिकित्सक, एक पैरा पशु चिकित्सक चिकित्सा और कार्यकर्ता के साथ एक एम्बुलेंस प्रदान की जाएंगी। और एम्बुलेंस जो है घायल पशु को अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा से सुसज्जित है, ये मतलब इससे रेडी है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है।
अब इसके बाद जो है और एक टॉपिक जो है, दक्षिण अफ्रीका में जो है भारत के महावाणिज्य दूतावास ने जो है भारत में पोस्ट कोविड-19 पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूपी के साथ जो है साझेदारी की है। तो दक्षिण अफ्रीका में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने जो है भारत में पोस्ट कोविड-19 पर्यटन को बढ़ावा देने और उत्तर प्रदेश में विभिन्न धार्मिक स्थलों और अन्य आकर्षणों के उसको जो है उजागर करने के लिए यूपी के साथ भागीदारी की है। 24 मार्च 2021 को पोस्ट कोविड टूरिज्म इन इंडिया शीर्षक से बैठक के दौरान यूपी में जो है पर्यटकों को आकर्षित करने की विस्तृत योजना को यूपी में पर्यटन और संस्कृति के प्रधान सचिव मुकेश कुमार मिश्राम द्वारा साझा किया गया था। ये जो बैठक जो है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में भारतीय महावाणिज्य दूत अंजू रंजन द्वारा आयोजित की गई थी। यूपी विश्व में जो है धार्मिक स्थानों के बीच अयोध्या को पर्यटन के लिए एक प्रमुख स्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, सिविल एविएशन के MOS हरदीप सिंह पुरी ने जो है कर्नूल एयरपोर्ट एपी का उद्घाटन किया है। तो 25 मार्च 2021 को जो है हरदीप सिंह पुरी जो कि राज्य मंत्री नागरिक उड्डयन मंत्रालय में जो है एक आभासी समारोह में आंध्र प्रदेश में कर्नूल हवाई अड्डे और व्हीकल का आभासी रूप से उद्घाटन किया है। कुर्नूल हवाई अड्डे पर जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इस उद्घाटन में भाग लिया है। कडप्पा विशाखापत्तनम तिरुपति राजमुंदरी और विजयवाड़ा के बाद कर्नूल हवाई अड्डा जो है एपी में सिक्स्थ हवाई अड्डा बन गया है, एयरपोर्ट बन गया है। और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना जो है उड़े देश का आम नागरिक के तहत उड़ान संचालन 28 मार्च 2021 से शुरू होगा। वाइस जगन मोहन रेड्डी ने जो है इस क्षेत्र के सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर कर्नूल हवाई अड्डे का नाम रखा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है, कल हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के पूरे हफ्ते की करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा चैनल देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा, कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्डवर्क करने के लिए। सो प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर, जय हिंद।